पे देखा क्रिस्टल लैटिस, ये एक नया शब्द है। ये क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक क्या होता है? यदि हम कुछ बिंदुओं को त्रिविम में, थ्री डायमेंशन में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते चले जाएं और इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो एक संरचना प्राप्त होगी उसे क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और ये जो बिंदु होंगे ये आपके परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या फिर अणु भी हो सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पर अब देखिए इसकी एक निश्चित ज्यामिति संरचना है, ये क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कि सोडियम तथा क्लोराइड के जो आयन हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और यह एक क्रिस्टलीय जालक का गुण है। अब ये जो क्रिस्टलीय जालक हैं ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं जो मूल क्रिस्टल जालक हैं, और इकाई कोशिका ये 4 प्रकार की होती हैं। तो यदि हम देखें तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 और गुणा 4 कर दें तो 28 प्रकार के क्रिस्टल हमें मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई प्रकार के जो क्रिस्टल लैटिस है वो उसमें हर प्रकार की यूनिट सेल में वो नहीं मिलते हैं, और इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर केवल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक जिन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं इकाई कोशिका। इकाई कोशिका क्या है? जिस तरह से हम एक मकान को यदि आप एक क्रिस्टल जालक मान लें तो उसकी एक ईंट जो होगी वह इकाई कोशिका या यूनिट सेल होगी, यानी कि इकाई कोशिका वह संरचना है जिसको यदि हम क्रमानुसार व्यवस्थित करते चले जाएं तो हमें एक बड़े क्रिस्टल जालक की प्राप्ति होती है। इकाई कोशिका या यूनिट सेल जिसे हम बार बार रिपीट करते जाएं तो हमें बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। ये यूनिट सेल 4 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले आती है आद्य इकाई कोशिका या जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य इकाई कोशिका। इस प्रकार की जो इकाई कोशिका होती है उसमें जो कण हैं, अवयवी कण हैं, वो केवल कॉर्नर पर, है ना, यूनिट सेल के केवल कोने पर उपस्थित होते हैं। और यदि हम इन कणों के योगदान की बात करें तो एक यूनिट सेल में प्रत्येक कण का योगदान केवल 1/8 होता है। इस तरह से यदि हम देखें तो एक यूनिट सेल जो प्रिमिटिव आद्य यूनिट सेल होती है उसमें कुल कणों की संख्या 8×1/8=1, यानी कि केवल 1 होता है। दूसरे प्रकार की जो इकाई कोशिका है वो होती है अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका। इस प्रकार की जो यूनिट सेल है उसमें कण, यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयन कॉर्नर पर उपस्थित होने, कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ पूरी यूनिट इकाई यूनिट के मध्य भाग में भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से यदि हम अंतःकेंद्रित घनी सेल में कणों की संख्या की गणना करें तो कॉर्नर पर उपस्थित जो 8 यूनिट इकाइयां हैं उनमें से 8 कणों का केवल 1/8 हिस्सा योगदान होगा। तो इस तरह से 8×1/8=1, लेकिन जो यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित कण हैं उसका पूरा योगदान यूनिट सेल को मिलता है। तो इस तरह से 1×1=2, तो अंतःकेंद्रित यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या 2 होती है। तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो होती है फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की इकाई कोशिका में कण, जो अवयवी कण हैं, वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, 8 कॉर्नर पर,
इसके अलावा ये प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। आप जानते हैं कि एक जो इकाई कोशिका होगी उसमें 6 फलक होंगे और 6 फलक में 6 कण उपस्थित होते हैं, लेकिन फलक पर उपस्थित जो कण होते हैं उनका केवल 1/2 यानी कि आधा हिस्सा ही उस यूनिट सेल को प्राप्त होता है। तो इस तरह से कॉर्नर पर उपस्थित कणों का 1/8 हिस्सा यानी कि 8×1/8=1 और 6 फेस पर, है ना, जो 6 फलक हैं उन पर उपस्थित जो कण हैं उनका 1/2 हिस्सा यानी कि 6×1/2=4, 6×1/2=3 यानी कि कुल कणों की संख्या कितनी हुई, 1/3=4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उनमें कुल कणों की संख्या 4 होती है। चौथे प्रकार की जो यूनिट सेल होती है वो होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या जिसे अंत्य केंद्रीय इकाई कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की जो इकाई कोशिका है उसमें कण यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित होने के साथ साथ किसी भी आमने सामने के 2 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुल कणों की संख्या कितनी होगी, 8 कोणों पर उपस्थित कणों का योगदान 8×1/8=1 और आमने सामने के 2 फलकों पर जो कण उपस्थित हैं यानी कि 2×1/2=1 यानी कि जो अंत केंद्रीय या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी उसमें कुल कणों की संख्या 2 होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि 4 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं और इन 4 प्रकार के यूनिट सेल में कणों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। आइए अब जानते हैं 7 भिन्न भिन्न प्रकार के जालक तंत्र यानी कि लैटिस सिस्टम को। वास्तव में ये जो जालक तंत्रों में भिन्नता होती है इनकी इकाई कोशिकाओं में भिन्नता की वजह से है। यदि हम एक इकाई कोशिका की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें 2 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला तो है इनके कोर की लंबाई जिसे हम एज लेंथ कहते हैं और दूसरी होगी इन जो इनके फलकों के बीच के कोण जिसे हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं या जिसे हम अक्षीय कोण कहते हैं। किसी भी त्रिविम जो संरचना होगी उसमें आप जानते हैं 3 अक्ष होंगे x, y और z। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 कोर लंबाइयाँ ले सकते हैं। यदि हम एक को a, दूसरे को b और तीसरे को c मान लें तो इनके बीच के जो अंतः फलकीय कोण होंगे, इंटरफेसियल एक्सल कोण होंगे, एंगल होंगे, वो a के सामने वाले को हम अल्फा, बी के सामने वाले को बीटा और सी के सामने वाले को हम गामा कोण कहते हैं। और वास्तव में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जालक तंत्र होंगे उनमें इन्हीं कोर लंबाइयों तथा अक्षीय कोणों में भिन्नता की वजह से ही भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे सरल प्रकार के जालक तंत्र, घनीय जालक तंत्र जिसे हम क्यूबिक लैटिस सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार के सिस्टम का एक उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी तीनों कोर लंबाइयां यानी कि ए, बी और सी ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। साथ ही साथ इनके बीच के जो अंतः फलकीय कोण हैं यानी कि अल्फा, बीटा और गामा ये भी 90 डिग्री के यानी कि सम कोण के बराबर होते हैं। इस प्रकार की जो आपकी यूनिट सेल होगी ये 3 रूपों में या हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हमने जैसे देखा था, है ना, आद्य प्रकार की यानी कि प्रिमिटिव में दिखेगी, दूसरी अंतः केंद्रीय यानी कि बॉडी सेंटर्ड के रूप में दिखेगी और तीसरी जो है फलक केंद्रीय यानी कि फेस सेंटर्ड के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से यदि हम इनके उदाहरण लें, यदि यौगिकों की बात करें तो हम सबसे जो एग्जाम्पल है इसमें है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें कि फलक केंद्रीय घनी संरचना पाई जाती है। साथ ही साथ जिंक सल्फाइड हुआ,
कॉपर धातु है ना, इसमें भी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। यदि आप सामान्य उदाहरण लें तो आप खेलने के डाइस से इसकी तुलना कर सकते हैं, या फिर आप रूबिक्स क्यूब जो होता है ना, उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो दवाइयों के टेट्रा पैक हैं है ना, वो यहाँ में इस रूप में मिल जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो जालक तंत्र है वो है टेट्रागोनल, या जिसे हम कहते हैं द्विसम लंबाक्ष। जैसे आप समझ में रहे हैं, द्विसम लंबाक्ष, यानी कि इसकी तीन कोर लंबाइयों में से दो लंबाइयां तो एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी लंबाई इन सब दोनों से अलग होती है। यानी कि इसमें ए बराबर बी तो होती है, लेकिन जो सी है वो इन दोनों से अलग होती है। साथ ही साथ जो इनके बीच के अंतःफलकीय कोण है, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। इस प्रकार का जो जालक तंत्र है ये दो रूपों में हमें मिलता है, एक तो है आदि रूप में और दूसरा जो होगा वह अंतः केंद्रीय यानी कि बॉडी सेंटर्ड रूप में हमें मिलता है। यदि हम इसके उदाहरण को लें तो इस प्रकार का जो लैटिस तंत्र है हमें श्वेत टिन में, टिन ऑक्साइड में, टिटेनियम ऑक्साइड में तथा कैल्शियम सल्फेट में, इस प्रकार का लैटिस सिस्टम हमें देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं तीसरे प्रकार का जो जालक तंत्र है वो है ऑर्थोरोम्बिक, या जिसे हम कहते हैं विषम लंबाक्ष। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विषम यानी कि इसकी तीनों जो एज लेंथ होती हैं, तीनों कोर लंबाइयां होती हैं, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। और इसमें यानी कि ए और बराबर नहीं बी के, बी बराबर नहीं सी के, लेकिन इनके जो कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों अभी भी 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार का जो जालक तंत्र है वो हमें जितने प्रकार की हमने इकाई कोशिका जानी, चार प्रकार की, ये चारों रूपों में हमें दिखाई देता है। यानी कि यह आद्य रूप में, प्रिमिटिव रूप में भी मिलता है, यह अंतःकेंद्री यानी कि बॉडी सेंटर्ड के रूप में भी हमें मिलता है, यह फलक केंद्री यानी कि फेस सेंटर्ड में भी हमें मिलता है, और साथ ही साथ यह अंत केंद्रीय यानी कि एंड सेंटर्ड के रूप में भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का जो उदाहरण है माचिस जैसी जो आपकी है उसकी संरचना से इसकी तुलना कर सकते हैं। आप देखेंगे माचिस को तो इसमें तीनों लंबाइयां है ना, ए, बी और सी, ये तीनों अलग अलग होती हैं। विभिन्न प्रकार के हमें जो दवाइयों के टेट्रापैक्स हैं है ना, वो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। यौगिक के रूप में इसका उदाहरण देखें तो विषम लंबाक्ष सल्फर इसका जाना पहचाना उदाहरण है, वह इस रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं हम चौथे प्रकार का जो जालक तंत्र है वो है रोम्बिक, या जिसे हम कहते हैं त्रिसम नताक्ष। इसकी तुलना आप प्रारंभिक जो सबसे पहला हमारा है घनीय जालक तंत्र से या यूनिट सेल से इसकी आप तुलना कर सकते हैं। यूनिट घनीय तंत्र में आपने देखा था कि ए बराबर बी बराबर सी, यहां पर भी आप देखेंगे कि तीनों कोर लंबाइयां ए बराबर बी बराबर सी होती हैं, लेकिन यहां पर जो अंतर होता है वो है इनके बीच के अंतःफलकीय कोणों का। यहां पर जो कोण है वो है अल्फा, बीटा और गामा, है ना, ये तीनों भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, है ना। और इस ये जो आपकी संरचना है ये हमें केवल प्रिमिटिव टाइप आद्य जो कोशिका होती है उस रूप में हमें ये दिखाई देती है। इस प्रकार का उदाहरण हम यौगिक में देखें कैल्शियम कार्बोनेट में इस प्रकार का उदाहरण हमें मिलता है। सिनेबार है ना, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, उसमें ये प्रकार का उदाहरण हमें मिलता है। और जनरली यदि आप इसकी तुलना करें तो शेप में देखें तो आपने काजू कतली मिठाई जो देखा होगा उसका शेप जो होता है उस प्रकार का आपको ऊपर से देखने में ये दिखाई देगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा सरल घनी जो संरचना थी उसको यदि हम आमने सामने के जो एंगल से प्रेस कर दें है ना, तो हमको इस प्रकार की जो त्रिसम नताक्ष संरचना है वो प्राप्त हो जाएगी।
कुछ पतंग का उदाहरण भी आप ले सकते हैं, है ना, पतंग भी जो होती हैं वो इस शेप में हमें दिखाई देती हैं। तो ये है त्रिसमनताक्ष जालक तंत्र का उदाहरण। इसके बाद हम देखते हैं जो पांचवें प्रकार का जालक तंत्र होता है वह है एक नताक्ष, या जिसे हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। इसके तुलना आप विषम लंबाक्ष जो जालक तंत्र है उससे कर सकते हैं। विषम लंबाक्ष में हमने देखा था कि वहां पर भी तीनों कोर लंबाइयां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, यानी कि ए बराबर नहीं बी के, बी बराबर नहीं सी के, दो एंगल हैं, सॉरी यहां पर जो अल्फा और गामा हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा जो है वह 90 डिग्री से अलग होता है। तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। ये संरचना हमें दो रूपों में मिलती है, आद्य प्रिमिटिव रूप में तो मिलेगी ही, साथ ही साथ ये दूसरी जो है वो एंड सेंटर्ड या अंत केंद्रीय रूप में ये हमें देखने को मिलती है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार का उदाहरण, जाना पहचाना उदाहरण है इसका एक नताक्ष सल्फर। सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक नताक्ष रूप मोनोक्लिनिक रूप में मिलते हैं, और इसके अलावा सोडियम सल्फेट में इस प्रकार के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। अगले प्रकार का जो जालक तंत्र है वह है त्रिनताक्ष, या जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। इसकी तुलना आप विषम लंबाक्ष जो जालक तंत्र है उससे कर सकते हैं। विषम लंबाक्ष में हमने देखा था कि वहां पर भी तीनों कोर लंबाइयां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, यानी कि ए बराबर नहीं बी के, बी बराबर नहीं सी के, बिल्कुल यही यहां पर भी देखने को मिलता है, तीनों कोर लंबाइयां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। साथ ही साथ यहां पर हम देखेंगे कि तीनों जो अंतःफलकीय कोण है, है ना, ये अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो भी 90 डिग्री के नहीं होते और ना ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस प्रकार का जो जालक तंत्र है वो केवल हमें आद्य रूप यानी कि सिंपल रूप में, प्रिमिटिव रूप में भी हमें प्राप्त होता है। यदि हम इसके उदाहरण की बात देखें तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर उदाहरण K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलता है। इसके अलावा जो क्यूप्रिक सल्फेट 5H2O, है ना, इसमें इस प्रकार का जालक तंत्र हमें मिलेगा, और साथ ही साथ जो आर्थोबोरिक अम्ल, इसमें इस प्रकार का जालक तंत्र हमें देखने को मिलता है। तो ये छह प्रकार के जालक तंत्र हैं। सबसे इनसे अलग जो सातवां प्रकार का जालक तंत्र है वो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, उस वो होता है हेक्सागोनल, है ना, या जिसे हम कहते हैं षटकोणीय जालक तंत्र। इसमें जो इकाई कोशिका होती है वो आपकी बिल्कुल आद्य प्रकार की होती है, केवल एक रूप में मिलता है। यहां पर हम देखें कि दो कोर लंबाइयां ए और बी ये तो एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन जो सी है वो उनसे अलग होती है, उसकी लंबाई अलग होती है। साथ ही साथ यहां पर दो कोण, है ना, अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा है वह 120 डिग्री का होता है। षटकोणीय जालक तंत्र का उदाहरण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना आपने देखी होगी, इसमें हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो षटकोणीय प्रकार का होता है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड में और कैडमियम सल्फाइड में भी इस प्रकार का षटकोणीय हेक्सागोनल लैटिस सिस्टम पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सात प्रकार के मुख्य जो जालक तंत्र हैं वो आपस में इनकी इकाई कोशिकाओं की संरचना में अंतर की वजह से बने हुए हैं, और चूंकि हर प्रकार का जो जालक सिस्टम है वो अलग अलग प्रकार में हमें मिलता है, जैसे कि हमने देखा क्यूबिक सिस्टम है वो हमें तीन रूप में मिलता है, है ना, जो ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष है वो हमें चार रूपों में मिलता है। तो इस तरह से कुल जो जालक तंत्र होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम ब्रेवे जालक तंत्र या ब्रेवे लैटिस सिस्टम कहते हैं।